मलिक साहब मैं आपको बताऊं कि लोग जो हैं ये खान साहब ये क्या कर रहे हैं? इसको नहीं दे रहे खान साहब, वो प्लास्टिक के हेलमेट वाले को दे दिया आपने पेट्रोल, वो उसने हेलमेट का पहना है खान साहब, वो तो प्लास्टिक का था। मैनेजर कहते कि ये हेलमेट का है, हेलमेट में आते है तो डाला करो। अच्छा, इनको क्या करेंगे आप? इसको नहीं दूंगा। क्या नाम है आपका? मोइस। मोइस, तो क्या करेंगे फिर? इसको आगे कर देंगे। आगे कर दें इसको भाई, मेहरबानी करे, नाराज नहीं हो। फायदा आपका इसमें, आवाम का फायदा है, किसी को समझ आती है, किसी को पहले आ जाती है, किसी को बाद में आती है, लेकिन एट द एंड बात वही है कि हेलमेट पहनना पड़ेगा। वही है कि हेलमेट के बगैर नहीं दूंगा। कोई भी आ जाए आप नहीं देंगे? नहीं दूंगा, पक्की बात है। पक्की, कोई भी आ जाए, कोई भी, जो भी मैनेजर को इधर ले आए मैं नहीं दूंगा। मैनेजर को दूंगा। अस्सलाम वालेकुम अशफाक साहब, कैसे आप? बहुत शुक्रिया, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है जी हमारे अशफाक साहब। अशफाक साहब, इधर तो लोग हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं अब दे रहे। बिल्कुल, देखें ये बहुत ज़बरदस्त फैसला है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब का, और ये मैं आपको बता दूं ये आज उनका आखिरी फैसला था, कल वो अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर रिटायर हो रहे हैं, और इसी सिलसिले में उनको लाहौर हाई कोर्ट बार में ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया, और ये भी कहा गया कि उनको उनके फैसलों को अदालती नज़ीर के तौर पर देखा जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने, क्योंकि उनके पास मुतअद्दी शिकायत आ रही थी कि आपके अहकामात के बावजूद चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हेलमेट पहनाने में नाकाम हो गई है, तो मास हुआ इसका कोई हल नहीं बचता कि जो लोग हेलमेट नहीं पहनते उनको पेट्रोल ना दिया जाए, तो आज अदालत ने ये भाईजान भी आए। सर अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? तो पेट्रोल लेने आए होंगे जी, दूर जाना होगा? नहीं, मैंने दादा सर कहा जा रहा हूँ। कहाँ जाना है? दादा साहब जाना है। तो वैसे रहते दादा साहब के एरिया में? नहीं नहीं, मैं चुंगी अमरसदों से आया। चुंगी, तो वापस भी जाना होगा चुंगी? जी बिल्कुल। तो पेट्रोल भी चाहिए होगा? जी बिल्कुल। तो हेलमेट भी नहीं होगा? हेलमेट वहाँ पे रख के आए हैं। हाँ, वहाँ पे रख के आए, तो पेट्रोल वो ले, पेट्रोल मैं हेल्प करता हूँ, क्योंकि आपके साथ बाजी भी बैठी है, आए पेट्रोल। खान साहब, ये एक और केस है आपका क्या? मैं एक मिनट खान साहब से पूछ लूँ, खान साहब क्या कहते हैं, एक मिनट जी। हाँ जी, वो पेट्रोल मांगने आए हैं। पेट्रोल मांगने आए, हेलमेट पहन ले तो आ जाए, अदरवाइज कोई कुछ नहीं हो सकता। कोई गुंजाइश निकलती हो थोड़ी बहुत? इस तरह हो सकता है किसी दोस्त से लेके आ जाए 5 मिनट के लिए, फिर उसको दे दे। ये तो बदध्यानती है, ये उसका, आप कह रहे हो कि कोई अदरवाइज, वो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अदरवाइज में अदरवाइज में उन्होंने मजबूरा बता दिया। हाँ जी, सोने हेलमेट के बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा आपको, ये किसी भी जगह ऐसा नहीं मिलेगा। सर सामने क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम खालिद महमूद है जी। क्या करते हैं आप? मैं ये पिकअप चलाता हूँ, बिल्कुल फ्लॉप हुई जा रही है। पिकअप फ्लॉप होगी? हाँ जी। क्या हुआ है? वो ऐसे हुआ है कि जो रक्शे निकले ना मोटे टायर वाले रक्शा ट्राली वाला, उसके ना ही नंबर है, ना ही वो टोकन, ना पासिंग, ना रूट, ना लेनी ना देनी। हम सब कुछ देते हैं, रूट भी देते हैं, पासिंग भी देते हैं, टोकन भी देते हैं। अच्छा, ठीक है। उन हमारे पास ये गाड़ी है, सुबह का हमारा सिर्फ एक फेरा भी बड़ी मुश्किल से लगा है, ठीक है। वो आते हैं फेरा लोड करके हो जाते हैं, ना कोई नंबर है ना कोई सर। सलामुलेकुम सर, क्या हाल है आपके? अल्लाह के साथ। तबीयत ठीक है आपकी? यहाँ मोटरसाइकिल वालों को तो पेट्रोल मिलना बंद हो गया हेलमेट के बगैर, ये बड़ा अच्छा किया है वैसे, बहुत अच्छा किया है। हेलमेट पहनना चाहिए, जब ये हादसा होते हैं ना तो ये हेलमेट ही बचाता है, ये वैसे बहुत अच्छा है, मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जी। ये आपका अवामी रद्द अमल आपको दिखा रहे हैं? अच्छा, टाटिकल मुकी नहीं आले। ओके, अजय रक्षा नमा निकले है। हाँ। मोटे टायर वाला ट्राली वाला, ठीक है, ठीक है जी। एदा ना तो नंबर गवर्नमेंट ने दिता है, ना कोई लैनी, ना बंदे नु हासा करके चल जाएगा, कौन जिम्मेदार होएगा साडा? उन्होंने ये बड़ी अहम बात, ये नोट हो गई जी, बड़ी अहम बात, बहुत शुक्रिया आपका। ये खान साहब किधर तक पहुंचे? खान साहब क्या बना, हेलमेट वेलमेट है ना यार, चेक करते रहना, सही बात, ठीक है ना? वो मसला तो नहीं है? नहीं, फिलहाल नहीं है। मैनेजर सामने खड़े, इससे पूछ लें, इजाजत नहीं है, कानून लागू है, इजाजत नहीं है, कहना पड़ेगा जी। ये इसके बगैर नहीं, सूरत हाल जो है वो खराबी का शिकार होगी। आप कुछ बता रहे थे? मैं ये कह रहा था कि क्योंकि देखें इससे पहले मुतअद्दिद मरतबा फैसले भी जारी हुए, कुछ हद तक हेलमेट पहनने के हुक्म अमल हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर बांग्लादेश की मिसाल दी गई अदालत में, अजहर सदीक साहब की जानिब से ये बताया गया कि बांग्लादेश में जिसने हेलमेट ना पहना हो उसको ये चोरियां हो रही हैं हेलमेट, वो देखें यहाँ से हेलमेट वहाँ जाता है, वहाँ से यहाँ था, ये भी पूछते हैं, यही में क्या चक्कर है? मैं यही बताने लगा था। सर क्या हाल है आपके, कैसे हैं आप? ये हेलमेट तो उन भाईजान का है, आपका हेलमेट किधर है? ये मेरा अपना है। उनका किधर है? उन्होंने मजबूरी मेरे से लिया, मैंने दे दिया। एक और झूठ कसम से, ये मेरा अपना है।
अच्छा नहीं कसम आप उठा रहे हैं तो हमें यकीन करना चाहिए क्योंकि कसम बंदा एवं नहीं उठाता हाँ फिर झूठी कसम तो एवं नहीं बंदा चुकता सही गल मैं ये किनका है उनका है मेरा अपना था अच्छा उनको आपने उधार दिया था हाँ उधार दिया पेट्रोल डलवाने के वाह देखें जी कैसी कैसी दास्तानें चल रही हैं देखें एक नया ट्रेंड यहाँ पर शुरू हुआ है मैंने ट्रेंड ये पीक पकड़ जाएगा जी मैंने ये पेट्रोल पंप वालों ने अपना हेलमेट एक लेकर रख लेना है और ऐसे भाइयों पहन लो मैं बता रहा हूँ जिस पंप वालों ने इस तरह हेलमेट रखा होगा वो पंप सील करने का ऑर्डर किया गया है अदालत को ये बताया गया है कि जो पेट्रोल पंप इंतजामिया उन्होंने अपने हेलमेट रखे हुए हैं मेरे साथ अशफाक साहब हैं जी मेरे साथ ये सूरत हाल यहाँ नहीं रुकेगी जी ये सूरत हाल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगी और इसको बड़ा बारीकी से इम्प्लीमेंट भी करना होगा ताकि लोगों की सेहत जो है ज़ीरो टॉलरेंस इसमें चाहिए क्योंकि जब कोई गिर जाता है बेचारा तो उसके पल्ले क्या बचता है रोड पे गिरता है नीचे से गाड़ियाँ पीछे से आ रही होती हैं हेलमेट नहीं पहना होगा हेड इंजरी बाकी मसाइल सारे तो हेड इंजरी का बार बार तज़किरा इस वजह से कि सबसे बड़ी फिर प्रॉब्लम्स हेड इंजरी की सूरत में जाती हैं जिससे हालात जो हैं वो ख़राबी का शिकार भी होते हैं और इस वजह से वो भाईजान एक हैं बड़े प्यारे से बड़े खूबसूरत बॉडी बिल्डर टाइप और मॉडल टाइप क्या हाल है भाईजान आपके सेहत कैसी है लगा क्या नाम है आपका दानिश इस्माइल क्या करते हैं दानिश आप मैं फोटोग्राफी वो इतने अच्छे बाल माशाल्लाह ये कैसे बनाते हो पफ वगैरह बस मॉडलिंग लाइन सारी तो अभी आपको पेट्रोल चाहिए होगा जी सर कहाँ जाना है आपने मैंने गुलशरावी मेरा बेटा पैदल ही जाएगा आज मुझे लग रहा है पता नहीं मुझे लग रहा है वजह मुझे नहीं समझ आ रही लेट्स सी इनको क्या करते हैं इनके साथ तो दानिश इसके अलावा क्या करते हैं मॉडलिंग खुद करते हैं आप नहीं मैं फोटोग्राफिंग करता हूं अच्छा सही है ये भाईजान जी ये देखें बड़े बड़े अच्छे तरीके से क्या जी पेट्रोल पंप में रखा होगा हेलमेट रखे होंगे ना के लिए हाँ पेट्रोल पंप रखना शुरू कर देंगे है ना सबको अकोमोडेट करेंगे भाईजान पहन और जाओ उधर उन्होंने खोखा बना लेना एक हेलमेट का है ना अपने रख लेंगे ना रिजर्व कर लेंगे ये ठीक बात है अशफाक साहब यही कह रहे थे हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट इमरान मलिक भी बड़े सीनियर हमारे साफी हैं तो ये दोनों जो हजरात हैं बड़ी अहम शख्सियात हैं लोग डरते हैं इनसे ये यही कह रहे थे मुझे यही कह रहे थे रस्ते पूरे में यही कहते आए कि भाईजान ये इन्होंने पेट्रोल पंप वालों ने ना चोर गेट निकालना है तो चोर गेट आए अशफाक साहब आए मेरे साथ जो पेट्रोल पंप वाले इस तरह करेंगे उन पेट्रोल पंप को सील करने का ऑर्डर किया गया है अगर जिले इंतजामिया को या जो मैनेजमेंट है डिस्ट्रिक्ट की उनको नजर आ गया कि हेलमेट पेट्रोल पंप वालों ने अपने हेलमेट रखे हुए हैं तो उस पेट्रोल पंप को सील सारे मामला अदालतों पर चल रहे हैं इसका मतलब है जिले इंतजामिया को कभी कुछ नजर नहीं आया आप ठीक ये उस वक्त की बात कर रहे हैं मैं यही कहूंगा तमाम शहर लाहौर को जहाँ पे आपको कहीं पे भी कोई बगैर हेलमेट के पेट्रोल डलवाते नजर आए वो फौरी तौर पे जिले इंतजामिया से और इंडस्ट्री के महकमे से रब्ता करें क्योंकि जो सीलिंग का अमल है जो सीलिंग की पावर है वो महकमा इंडस्ट्री के पास है तो ये लेबर के पास है और वो फौरी तौर पे आके सील भी करेंगे और पंप मालिक कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरा पंप जो है वो सील हो वो इससे पहले यही बात फाह साहब कह रहे हैं कि अपना भी ये हेलमेट खरीदेंगे फोन यूज ना करें फोन यूज ना सीसीटीवी कैमरे लगे हो आज आप क्या कह रहे हैं ये जो है ये ओनली फॉर लाहौर है कि पंजाब में कर रहे हैं जी ये शहर लाहौर में शुरुआत शहर लाहौर में पूरे पंजाब का हाई कोर्ट का ऑर्डर हाँ जी अदर साहब आपका चलान हो जाएगा बाइक किधर है वो खरीदी है बाइक के बगैर नहीं हेलमेट पहनना चलान हो जाएगा मेहरबानी करना हाँ जी आओ दानिश नाम है ना हाँ जी हेलमेट डाल के होगा शादी भी हेलमेट पहन की शादी होगा अब बस ये चीज हाँ जी अदर साहब ये क्या बनेगा तुम्हारा दानिश ये तुम्हें पेट्रोल फ्री पेट्रोल देंगे तुम्हें आज नहीं देख लेना करेंगे। नहीं कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें मैं कह रहा हूँ तुम्हें फिलहाल तो जलील फ्री पेट्रोल तुम्हें देंगे हाँ जी दानी साहब को पेट्रोल दें यार दानी को पेट्रोल नहीं मिलेगा क्यों ये सर नहीं देना मसला वाले भी नहीं आएंगे तभी नहीं मिलेगा बगैर हेलमेट के पेट्रोल कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि हाई कोर्ट का ऑर्डर है अब बताएं आज कह रहे हैं अब बताएं आप आए हैं ना आज कह रहे हैं हाई कोर्ट का ऑर्डर कभी नहीं मिलेगा आज आप लोग क्या हाई कोर्ट का ऑर्डर है यार हाई कोर्ट का हमारी वजह से नहीं है यार हाई कोर्ट का ऑर्डर है हुक्म है उनका हुक्म है ये जी सूरतेहाल ठीक है जी बहुत शुक्रिया आपका और अब ये पैदल जाएंगे पक्की बात है जो जो पेट्रोल जिनके पास नहीं है उनको फिर आज हेलमेट जब अरेंज करना पड़ेगा तो शायद हेलमेट लेने की तरफ जाएं और हालात जो है वो शायद बेहतरी की तरफ भी जाएं और इन सारे हालात में आपको दिखाते हैं मलिक साहब मेरे साथ और अशफाक साहब किधर हैं जी उनको भी साथ लीजिए आपको दिखाते हैं कि ये सूरतेहाल जो है ये यहाँ रुकेगी नहीं ये बढ़ती जाएगी और एक वक्त आएगा कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो लाजमी हेलमेट पहनेंगे और नहीं पहनेंगे तो इनको पेट्रोल नहीं मिलेगा चाचा क्या हाल है हेलमेट घट दिया मेरे लेकिन याद नहीं रहा मैंने चाचा मैंने पकड़ लिया ना उस्ताद भी उस बच्चे को कहते हैं सवाल पूछने के लिए जिसका रंग उड़ा देखता है तो मुझे दूर से पता चल जाता है कि किसके पास हेलमेट नहीं है
क्या हाल है आपके? मेरा घर पड़ा है लेकिन मैं सेहत कैसी आपकी? सेहत बिल्कुल ठीक है, हेलमेट घर पड़ा है। मैं सिफारिश करता हूँ आपको, सिफारिश करते हैं इनकी, सिफारिश करते हैं जी पेट्रोल मिल जाए इनको और हेलमेट के बगैर बेटा उन्होंने भी नहीं लभना। लारा ला रहा वहाँ, क्या हाल है तुम्हारा? आओ मेरा बच्चा, सबको लारा लगाता हूँ। आओ तो आप कैमरा एक मिनट पीछे कर लो। क्यों सोने यार, है ही नहीं पेट्रोल इसमें। पेट्रोल नहीं है? नहीं है। वो देखो क्या लिखा है, तो हेलमेट नहीं है तो क्या करें, पैदल जाएं? देखो तो सही, वो तो मुझे पता है। हेड इंजरी से बेहतर है पैदल चले जाओ, हेड इंजरी से बेहतर है कि आप पैदल घर चले जाएं ताकि महफूज तो रहें कम से कम। सेफ्टी जरूरी है, सेफ्टी बहुत जरूरी है। इमरान मलिक साहब क्या कह रहे चाचा? कल इंशाल्लाह लेके आएंगे। अब आपको आपको अभी भी पेट्रोल नहीं मिलना चाचा जी? अभी भी नहीं मिलना, मैं सिफारिश करने लगा। मैं सिफारिश आए, आए सारे करते हैं, आए आए आए। आ जा मेरा बच्चा, आ जाओ। हाँ जी, चीटिंग होने लगी है भाई। कोई बात नहीं, खैर है, करो चीटिंग करो। वो नहीं देंगे यार, वो बड़े इज्जतदार शहरी हैं, आपको हेलमेट थोड़ी देंगे वो। नहीं नहीं, कोई भी नहीं देगा। क्या है ना, आपने खुदा का खौफ नहीं देना चाहिए, वो हेलमेट अपना लेके आए जी, है ना जी। आओ मेरा बच्चा। हाँ जी, चाचे को पेट्रोल क्या करेंगे? ये हेलमेट को बगैर तेल नहीं मिलेगा। नहीं चाचा, देख लो, देख रहे हो तुम, बड़ी दूर जाना पड़ा, घर वापस आने में जाना पड़ेगा चाचा। मैंने लगता तुम्हें पैदल जाना पैना, मैंने पक्का यकीन होना पड़ा। पेट्रोल भी है भी नहीं कतरा यहाँ। ना ना सर, नहीं रूल नहीं तोड़ सकते, कमाल हो गया। रूल कैसे तोड़ दें? लेकिन मैंने याद, मैं ना आप दे देंगे? नहीं नहीं, हमारी देंगे फाग साहब, नहीं देंगे। हाँ जी, इधर चीटिंग होने लगी है जी बड़े पैमाने पे, ये देखें जरा। हाँ जी भाई, मैं करेंगे तो सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं और इनको पर्चा हो जाना फौरी। इनको इनको इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि अगर आप इधर से करेंगे तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जनाब। अच्छा, अब एक मिसाल है, यानी कि अब नहीं है एक बंदे के पास तो वो क्या? पेट्रोल नहीं मिलेगा, हेलमेट लेना पड़ेगा यार। तो अब इसमें देख लो, इसमें है ही नहीं बिल्कुल, पैदल जाएगा मेरा बेटा। मैं अब क्या करूँ? मेरा बच्चा शाहबाज बहुत अच्छा बच्चा है, शाहबाज शाहबाज। उधर से दुआना लेके ना, वो सर पे बैठ लो, दुआना लेके दुआने का सीधा पतीलियां पकड़ना, पतीलियां बांध लो, चलो जाएंगे। मैंने कहा काट देना, शो क्या हो गया? मुझे बताएं कि ये आप अब आए, आपको पता नहीं क्या जवाब देते हैं, शायद देते हैं। अच्छा, रियल तो पेट्रोल ट्राई तो करो इसमें यार, तो रियल अच्छी बात है ना। नहीं है तो आए, आए पता करते हैं इनके साथ क्या करते हैं। आए आए आगे आए, शायद आपको दे दें यार, क्या पता उनके दिल में रहम आ जाए। आप खड़े होंगे तो वो देंगे नहीं, नहीं हमारे हमारी वजह से नहीं यार। उन्होंने लिख के लगाया है, इशफाक साहब लिख के लगाया हुआ भाई। उनके सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वो सारी हर चीज मॉनिटर। हाँ जी हजरत साहब, हेलमेट है ना आपका? हाँ, अभी उतारा है मैंने। इसको पहने पहने, अदरवाइज पेट्रोल नहीं देंगे। हाँ जी, हाँ इसको सर, इसको भी नहीं मिलेगा। क्यों ये सर, अंदर तो बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा। ठीक है, दोनों में दोनों को ही नहीं मिलेगा, मैं दोनों को ही नहीं मिलेगा, दोनों को नहीं मिलेगा, आप दोनों को नहीं मिलेगा। पहने ना हेलमेट, आप ना आप पहने, उनको फिर क्यों दे रहे हैं आप हेलमेट? आपका तो आप पहने, तेल लेने आप आए हैं ना, वो हेलमेट उनका है तो उनका, फिर आपको इनको तेल नहीं मिलेगा, वो उनको ही मिलेगा सिर्फ तेल। ठीक है जी। हाँ जी बेटा, क्या हाल है आपके? स्पोर्ट्स मैन है आप, क्रिकेट खेलते हैं, आपको कामयाब करे। कल की वीडियो यहाँ की मैं बना के आपको लाहौर न्यूज पे सेंड करूंगा बगैर हेलमेट, और मैं ऑन एयर करूंगा, चलाऊंगा, अपने व्यूअर्स को दिखाऊंगा कि देखें हालात खराब है। पक्का हो गया? कल हो गया, मैं वीडियो आपको यहाँ ऑन एयर आपको सेंड करूंगा हेलमेट के बगैर, हेलमेट के बगैर की। और ये आप यहाँ की नहीं, वादा हो गया, और भी पेट्रोल पंप नहीं नहीं बना के मैं यहाँ की सेंड करूंगा। ये आज हुआ है, आज अब इसके बगैर मतलब नहीं, नहीं ठीक है, ठीक है ना। आपको तो पता है बाउंसर जब लगता है तो हेड इंजरी का क्या पता? वो तो है, है? इसलिए बैग में था पहले। गुड गुड। हाँ जी, सांदे वापस जाना पड़ेगा सांदे। अब तब्दीली जो है ना, तब्दीली ऐसी नहीं आएगी, अब तब्दीली ऐसी आएगी कि आवाम खुद इसके ऊपर सख्ती से अमल कराएगी। ये जरूरी है, है ना, आदमी करवाएगी। अभी आप पैदल घर जाएं, थैंक यू सो मच। ये सूरत हाल है जी, और इस सूरत हाल के होते हुए हालात आपको नजर आ रहे हैं कि किस तरफ जा रहे हैं, और इससे बेहतरी किसकी है? जो हेलमेट पहनता है उसकी बेहतरी है, उसके लिए बेहतर है फहद साहब कि ये अवाम में शोर उजागर करने की जरूरत है कि हेलमेट इनकी सेफ्टी के लिए है, ना कि कोई ऑर्डर इम्प्लीमेंट करवाना है, ना ये जलील गवर्नमेंट की जिद है, ना सीटीओ की जिद है, ना किसी और की जिद है, ये इनकी अपनी सेफ्टी के लिए है। हम चाहते हैं कि ये तंदुरुस्त और तवाना अपनी जिंदगी गुजारें, इनके बच्चों पर इनका साया हमेशा कायम रहे, तो ये उसका ये एक अहम जुज है ये कि हेलमेट ये लाजमी पहने ताकि कोई हादसा हो तो इनको सर पर चोट ना लग सके और इनकी जिंदगी बच सके। तो इसीलिए लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से ऑर्डर किया गया, इम्प्लीमेंटेशन उसकी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, और अगर इसी तरह से इम्प्लीमेंटेशन होती रही तो यकीनन हर इंजरी में फर्क पड़ेगा, इंजरी में फर्क पड़ेगा। और क्या हाल है आपके? मैं आ रहा हूँ जी आपकी तरफ भी आ रहा हूँ, ये बहुत सारे लोग हैं जी इधर, और हजरत साहब आप ठीक हैं? से ठीक है आपकी मिजाज? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप तो सारे साजो सामान पूरा है ना आपका? अल्लाह का शुक्र है, कर्म है। लोगों को भी बताएं, इतनी खूबसूरत आंखें हैं आपकी, लोग शायद बात मान लें। जी जी,
ये हेलमेट की बात कर रहे हैं? हाँ जी, हेलमेट तो ये देखे माशाल्लाह मैंने, इसके बगैर पेट्रोल नहीं अब मिलेगा ऐसा। अच्छा, इसे तो रखा हुआ है, बहुत अच्छा किया मैंने इसे। हाँ बेटा, क्या हाल है? मेरा पुत्र, क्या नाम है तुम्हारा? एहसान। एहसान, आपके तो लाइसेंस भी नहीं बना होगा। नहीं। कितनी एज है आपकी? 19। 19। लाइसेंस बन गया? नहीं। आईडी कार्ड बनना नहीं अभी? नहीं। अच्छा, क्या करते हैं आप एहसान? मैं सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में तो साइंस पढ़ते हैं, आर्ट्स पढ़ते हैं? आईकॉम। आईकॉम कर रहे हैं। तो आप पेट्रोल लेने आए? जी। पेट्रोल तो आपको नहीं मिलेगा मुझे लग रहा है, मुश्किल लग रहा है। मिल जाएगा शायद। अच्छा चलें, कोशिश करते हैं, बिल्कुल कोशिश करें। आपको जी चीज़ें पूरी नहीं लग रही हैं आपकी? मुझे चीज़ें पूरी हैं, वो मेरा हेलमेट वो लेकर गया है। मोबाइल लिखवा के हेलमेट लिया है यार, पेट्रोल डलवाना था। ये देखिए ये क्या हो रहा है अशफाक साहब। ये देखे इम्प्लीमेंटेशन में इनको पता नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो चीटिंग होगी वो पकड़ा जाएगा, उस पर पर्चा भी होना है। तो ये सारी चीज़ें आवाम हमारे लेंगे। अशफाक साहब मैं बात आपकी काट रहा हूँ, अगर संजीदगी से लेंगे तो हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। बहुत बड़ा फैसला है अली अकबर कुरैशी साहब का, और ये उनका आखिरी फैसला था। आने वाली नस्लें भी उनके जो फैसले हैं उनको याद रखेगी, और हम उम्मीद रखते हैं कि उनके फैसलों पर हुकूमत की जानिब से अमल दरामद करवाया जाएगा। फाहद शहबाज खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।